हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा गुंजिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं और 8 से 10 काजू लिए हैं। इसको मैं चाकू की सहायता से एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बारीक चॉप करके लूँगा। बादाम और काजू को दोनों को इस तरीके से बारीक से हम चॉप कर लेंगे। चॉप करके इसको मैं साइड में रख दूंगा। इसके बाद यहाँ पर लिया मैंने एक कांच का बोल, जिसके अंदर ऐड करूँगा मैं तकरीबन 2 कटोरी फ्रेश मैदा। इसके बाद मैदा के अंदर डालेंगे हम तकरीबन 4 टेबलस्पून घी। अब घी मैदे में ऐड करने से होगा क्या कि जब आपके जो गुंजा बन के रेडी होगी उसमें बिल्कुल क्रिस्पीनेस आएगा। ये चम्मच की सहायता से घी को हम मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद में हाथ की सहायता से भी इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को गूंथना स्टार्ट करेंगे। आटा गूंथते समय ध्यान में रखने वाली बात, आटा हमारा थोड़ा सा हल्का टाइट गूंथा हुआ होना चाहिए। आटा हमारा गूंथ चुका है। इसके बाद लीड बंद करके तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए मैं रेस्टिंग पर रख दूंगा ताकि ये हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर तकरीबन मैं 3 से 4 चम्मच सूजी डालूंगा। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। घी ऐड करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको। रोस्ट होने के बाद इसको अलग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 3 से 4 पिस्ता को जो चॉप करके रखा हुआ था, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको भी कढ़ाई के अंदर हम इसको हल्का रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगा मैं तकरीबन 1 कटोरी नारियल का बूरा। ये नारियल का बूरा मार्केट में वैसे भी मिल जाएगा, अगर आप घर पे खोबरा है तो इसके ऊपर वाला काला पार्ट निकल के आप कद्दू की कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे तकरीबन इसमें 100 ग्राम खोवा। खोवा ऐड करने के बाद तकरीबन इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कितना शानदार मिक्सर बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगा मैं तकरीबन 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर में आपकी गुजिया की बहुत सुगंध अच्छी आएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है और जो हमने सूजी रोस्ट करके रखी थी वो सूजी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि सूजी हमारी ऑलरेडी हमने रोस्ट करके रखी हुई है। ये देखिए हमारा गैस ऑलरेडी मैंने बंद कर चुका हूँ। ये तकरीबन पूरा मिक्सर ठंडा होने के बाद ही हम 1 कटोरी इसके अंदर हम बारीक पीसा हुआ चीनी ऐड करेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारा 20 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब शुरू करते हैं दोबारा एक बार आटा हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे गूंथ के। अब शुरू करेंगे हमारा गुंजिया बनने का प्रोसेस। सबसे पहले छोटे छोटे गोले बना के हम पूरी बेलना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके बेलन की सहायता से हम एक मीडियम साइज का एक पूरी बेल लेंगे। लास्ट में एक इस तरीके से मीडियम साइज की कटोरी लेके इस पूरी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि हमारा जो पूरी का जो शेप राउंड बन जाएगा। इसके बाद हम 1 चम्मच या आधा चम्मच इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बना के रखा था गुंजिया का, ये इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में थोड़ा सा पानी साइड में इसके लगा लेंगे ताकि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह इसको पेस्ट हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर पेस्ट नहीं हो पाएगा तो हम जब गुंजिया फ्राई करेंगे तो ये इसके अंदर का जो मिक्सचर है वो बाहर निकल के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे।
प्रेस करने के बाद में इस तरीके से मैंने एक काटा चम्मच लिया, इसको हम अच्छी तरह से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि आपकी गुंजिया की साइड में एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा और गुंजिया हमारी बहुत अच्छी दिखने में दिखेगी। ये देखिए, इसी तरीके से मैं दोबारा एक गुंजिया बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से दोबारा हम एक पूरी बेल लेंगे। इस बार मैंने कटोरी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है, सेम पानी लगा के इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास अगर ये इस तरीके से चरखी अवेलेबल है तो बाहर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इस तरीके से चरखी से सहायता से हम निकाल देंगे। ये देखो, ये भी एक शानदार डिज़ाइन के साथ में हमारी गुंजिया बन के रेडी है। इसी तरीके से सारी हम गुंजिया बना लेंगे। गुंजिया बनाते से ही हमने ऑलरेडी गैस के ऊपर तेल गर्म करने के लिए रखा था। हम थोड़ा सा आटे का बॉल तेल में डालकर चेक कर लेंगे हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है और इस तरीके से हम एक एक करके गुंजिया को फ्राई करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। दो गुंजिया मैंने यहाँ पर डाली है और इसको उलट पलट करके हम फ्राई कर लेंगे। ये देखो, पहले टाइम में तेल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसलिए जैसे तेल गर्म होता है हमने गैस का फ्लेम स्लो कर लेना है। ये देखो, सेकंड बारी में हमारा तेल का टेम्परेचर कम होने की वजह से बिल्कुल अभी अच्छे बन के रेडी गुंजिया। ये देखो, इस तरीके से एक गुंजिया आप अपने घर के अंदर बना के एक बार टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट गुंजिया बन के तैयार होगी। अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।